नमस्कार, आप देख रहे हैं लिखराज न्यूज। मैं हूं शर्मा गुरुजी, पल पल की खबरों के साथ। आइए बात करते हैं हमारे संवाददाता से, क्या है आज की खास खबर। जिला बुलंदशहर कस्बा पहाशु के किरावली खंडार व सीमेंट रोड 2-3 महीने पहले बना था, जिसकी आज तक साइट नहीं बनी। सावंतगढ़ मेल चालू हो चुका है, जिसमें गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली आते हुए शुरू हुए, परंतु रोड के कारण रास्ते में जाम लगता है। मोटरसाइकिल आपस में टकराती हैं, जाम के चलते आए दिन वाहन चालक में झगड़े होते रहते हैं। शासन प्रशासन सभी को अवगत कराया भी गया, परंतु कोई भी अधिकारी इस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे। काली नदी शिकारपुर रोड नगर से लेकर शिकारपुर तक कोई भी साइट नहीं बनी है। रोड की साइडों को ना बनाने के कारण कस्बा पहाशु में आए दिन लगता रहता है जाम। रोड बनने के शायद कई महीने हो गए हैं, लेकिन आज तक इसकी साइट नहीं बन पाने के कारण लोग परेशान हैं। मिल चालू होने से जाम की स्थिति आए दिन बढ़ती जा रही है। पेश है उदित राज न्यूज से देवेंद्र शर्मा गुरुजी की खास रिपोर्ट। और किस रोड पे चल रहे हैं आप? उदित राज न्यूज। खंडार करावली रोड है जी, इसकी हालत इन्होंने ये बना दिया है जी। फुल्ली 8 फुट 9 फुट चौड़ा रोड बनाया है। आगे से गाड़ी आ जाए तो बैक को वाला भी नीचे गिर जाता है। आए दिन यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोगों को चोट लग रही है। अधिकारियों को आपने अवगत कराया है क्या? साहब जिसको भी कहते हैं वो कोई तो कहता है चेयरमैन करेगा, कभी कहते हैं ग्राम प्रधान करेगा। इसका वो क्यों करेंगे, ग्राम प्रधान क्यों करेगा इसे? इसकी साइड कितना टाइम हो गया सड़क को बने हुए? इसकी साइड कब से बनाई? 1.5 महीने से ये सड़क बन के तैयार हुई है, और जब से लोडिंग चल रही है धान धुल रहे हैं, गन्ना आने लगा है। गन्ना आ जाए तो किसी को निकलने के लिए जगह ही नहीं है। थैंक यू। फुल्ली 8 फुट जगह है, कहाँ से निकलेंगे लोग? जी जी जी, धन्यवाद सर। इस रोड में बने हुए कितना टाइम हो गया? काफी समय हो गया है। और दिक्कतदारी क्या है वाहन वाहनों या ट्रैक्टर वालों के जो रोड साइड में वाहन आ जाए तो बचने में बहुत बड़ी दिक्कत होती है, टायर कट जाते हैं। और आए दिन जैसे एक्सीडेंट मोटरसाइकिलों के भी होते रहते हैं क्या यहाँ? हाँ जी, एक्सीडेंट होते रहते हैं। और कोई भी अधिकारी मतलब अधिकारियों को कोई भी आपने सूचना दिया तो अधिकारी क्या कहना चाह रहे हैं? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको मतलब बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आपका? हाँ जी। ये थी हमारी आज की खास खबरें। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। देखते रहिए उदित राज न्यूज। जय हिंद, जय भारत।